कल आप पढ़े थे कुछ, आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ। कल मैंने आपको एक चित्र बनाया था इस तरीके से, याद होगा, बीच में मतलब बड़ा था इस तरीके से, फिर छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, इस तरीके से, याद होगा। इसको हम लोग कहते हैं क्या, केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट। इसको हम लोग कहते हैं प्रथम गौण उच्चिष्ट, और जो नीचे वाला धासा वाला हिस्सा देख रहे हैं उसको निम्निष्ट कहते हैं। मैंने कल कहा था ये प्रकाश के विवर्तन की बात में हुई थी कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं इसकी चमक कम होती जाती है, इसकी तीव्रता कम होती जाती है। जो केंद्रीय वाला होता है उसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है, जब आगे पीछे जाएंगे तो तीव्रता क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। कल हम लोगों ने जिक्र किया जो सबसे नीचे होता है उसको हम लोग गौण कहते हैं, लिखते हैं यहाँ से। ऊपर वाला जो होता है का कुछ कह रही है का किसको, हाँ जाइए चलिए। तो ये आपका केंद्रीय उच्चिष्ट है, और ये नीचे वाला जो होता है निम्निष्ट आपका होता है, फिर आपका क्या होता है गौण उच्चिष्ट, आपको देख रहे हैं गौण उच्चिष्ट आप लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ सूत्र आता है, सूत्र का जिसका इस्तेमाल आप न्यूमेरिकल लगाने में करेंगे, तो देखिए एक केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई आपसे पूछेगा। अच्छा जाने कि किसका सब हेडिंग है, ये प्रकाश का विवर्तन, आपको याद है प्रकाश का विवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय अपने मार्ग से क्या होता है विचलित हो जाता है। तो चलो तो लिख रहा हूँ एक सूत्र, उसमें केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई, रेखीय चौड़ाई, देखो आइए केंद्रीय उच्चिष्ट है, एक रेखीय चौड़ाई से अगर रेखा खींच दें तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी आपको बताएं। केंद्रीय उच्चिष्ट यही ना जी, तो केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई जब आपसे पूछेगा तो आज याद रखिएगा रेखीय चौड़ाई 2x बराबर 2 लैम्डा बटाई गुणे f, 2x बराबर 2 लैम्डा बटाई गुणे